हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरफोर्स की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल वैकेंसी आई है मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये आपका वाई ग्रुप का नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेगा, जिसके लिए अप्लाई डेट 22 मई से 5 जून रहेगा, मतलब 22nd ऑफ मई से स्टार्ट होगा ऑनलाइन होना एंड लास्ट डेट 5th ऑफ जून रहेगा। फॉर्म फी ऑल कैंडिडेट से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपका 1000 के अप्रॉक्स रहने वाला है। अभी फ्रेंड्स ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि टोटल कितना सीट रहेगा, बट मिनिमम 1000 सीट आपका रहेगा। तो अगर इस पोस्ट से रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ से आप डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट होती है। आगे इसके बारे में बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी 12th पास कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, उसमें भी PCB होना चाहिए इंग्लिश, और ओवरऑल आपका जो मार्क्स है 50% मिनिमम होना चाहिए। या फिर आपने डिप्लोमा या फिर BSc कर रखा है फार्मेसी से, इसमें भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एज की लिमिट की अगर बात करी जाए तो 16 to 23, यानी 16 से 23 वर्ष के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि क्वालिफिकेशन दो तरह से है, तो एज लिमिट भी वैसे ही, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखिए, जो 12वीं पास बच्चे अप्लाई करेंगे उनका जन्म अगर 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008, मतलब कि बॉर्न बिटवीन 2nd of Jan 2004 to 2nd of Jan 2008, सभी कैंडिडेट 12th पास वालों के लिए है ये। अगर आपने BSc या डिप्लोमा किया है तो फिर अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 के बीच हुआ तभी आप एलिजिबल रहेंगे। बॉर्न बिटवीन 2nd जैन 2001 टू 2004। आई होप कि आप समझ गए होंगे एज का क्राइटेरिया भी क्वालिफिकेशन भी। आगे बात कर ले कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन आपका आफ्टर 4 स्टेज के बाद आपका सिलेक्शन होगा। पहले स्टेज पे DV एंड आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। सेकेंड में आपका रिटन एग्जाम होगा। थर्ड आपका अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, देन मेडिकल होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी और आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको पहले ही बताया कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। पहले स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिजिकल में आपका ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाइट का मेजरमेंट होता है और चेस्ट का होता है। और हाँ, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाइट की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 to 82 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ये आप जब क्वालिफाई कर लेंगे DV के साथ ही साथ, तब आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 50 मार्क्स। समय जो होता है फ्रेंड्स 45 मिनट, यानी 45 मिनट का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ये सब्जेक्ट ना दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस रहेगा, पार्ट बी में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चंस, ओवरऑल 50 क्वेश्चंस है। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि इंग्लिश में आपका पास होना जरूरी है और इसमें भी रीजनिंग में भी पास होना जरूरी है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर का सेट भी लगाइएगा ताकि आपको अंदाजा मिल सके कि किस ढंग से इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। तो रिटेन क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, रैली का जो डेट है ना, रैली का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। 3 से 12 जुलाई 2024 के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन तो आपको पहले ही बता दिया है कि स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका रैली होगा,
जिसमें कि सबसे पहले डीवी और आपका पीएफटी होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। सारा कुछ हो जाने के बाद आपको आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा, तब मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये रैली किस किस स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, चलिए मैं बता देती हूँ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी जैसे कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और आपको सैलरी क्या मिलती है, शुरुआत में 26,900 यानी 30,000 के करीब से शुरुआत होती है। बाद में पर्क्स एंड अलाउंसेस होती है, पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में आप सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।